सुशासन दिवस के अवसर पर जहां गुरुग्राम से आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा कई सेवाओं की ऑनलाइन शुरुआत की गई है, वहीं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खास बात यह रही कि आज से प्रदेश में पहली बार हरियाणा के गांवों को लाल डोरे से आजादी देने की शुरुआत हुई। पायलट प्रोजेक्ट के तहत करनाल जिले का सिरसी गांव प्रदेश का पहला गांव बन गया है जिसे लाल डोरे से मुक्त किया गया है। सरकार के इस निर्णय से गांव वासियों में खुशी की लहर है। उनका कहना है कि अब उनके पास भी अपनी जमीन, घर के पंजीकृत कागजात होंगे। गांव के सरपंच आशना ने कहा कि हम सभी मुख्यमंत्री के आभारी हैं जिन्होंने ये ऐतिहासिक फैसला लेकर गांव के लाल डोरे में रहने वालों को जमीन का असली अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि इससे गांव में जमीनी विवाद समाप्त होंगे और वे बैंक से लोन आदि ले सकेंगे। ग्रामवासी सुमित ने कहा कि इस घोषणा से ग्रामवासियों में खुशी है और काफी लोगों ने इसके तहत अपनी प्रॉपर्टी को पंजीकृत कराने के आवेदन दिए हैं। करीब 70 लोगों के आवेदन आए हैं जिनमें से 50 से अधिक लोगों को जमीन का पंजीकरण किया गया है। करनाल से सुशासन दिवस की शुरुआत करने पहुंचे कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार जनता के लिए है और उन्हें अधिक से अधिक सुशासन देना हमारा फर्ज है। पिछले दिनों में हमने प्रशासनिक कार्यों का सरलीकरण किया था और आज से कई सेवाओं को ऑनलाइन किया है। सिरसी गांव को लाल डोरे से मुक्त करने पर उन्होंने कहा कि ये एक अच्छी शुरुआत है और इससे गांव के लोगों को रेवेन्यू रिकॉर्ड बनेगा और लोग अपनी संपत्ति का पंजीकरण करा सकेंगे। पहले जो संपत्ति पर विवाद होते थे वे अब समाप्त होंगे। नाम मात्र कीमत पर लोग अपनी संपत्ति का पंजीकरण करा सकते हैं। सिरसी से हमने इसकी शुरुआत की है और इसके बाद सभी गांवों में इसे लागू किया जाएगा। सीएम साहब ने जो पहल की है वो बहुत ही अच्छी की है। पहले गांव के लाल डोरे के अंदर की जो जमीनें होती थी उस पर जिसका कब्जा उसी की ही लाठी वहां पे चलती थी। अब ऐसा नहीं होगा, जैसे किसी गरीब व्यक्ति का कोई प्लाट पड़ा है, दबंग व्यक्ति उसको नहीं दबा सकेगा क्योंकि उसकी हमने ड्रोन द्वारा मैपिंग करके उसको एक अलग से इंतकाल नंबर और उसकी रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया पूरी कर दिया और उसे गाँव में आगे से जितने भी प्लॉट खरीदे या बेचे जाएंगे वो रजिस्ट्री के तहत होंगे, उनका रिकॉर्ड होगा। अब पहले जो गांव में कभी पुराने टाइम में प्लाट बिकते थे, मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे 2 लाख रुपए का पुराना प्लाट बिक गया, तो 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद अगर पुराना मालिक मुकर भी गया तो मैंने पैसे नहीं लिए, अब वो पैसे भाई रजिस्ट्री के जाएंगे और उसमें किसी को भी गरीब व्यक्ति को कोई भी असुविधा नहीं होगी। अच्छे से वो अपना जो प्लाट बेचना है खरीदना वो बदल कर सकता है। तो लोन भी ले सकते हैं? हाँ, लोन भी ले सकते हैं। अभी भी ऑलरेडी मेरे गांव में पहले से कुछ जरूरतमंद जो लोग थे उन्होंने 4 से 5 प्लाटों पे लोन करवाए हैं। वो लोन करवाने के लिए वो बहुत भागे फिरे तहसीलदार ऑफिस यहाँ वहाँ, रजिस्ट्री बहुत मुश्किल से गाँव की रजिस्ट्री, काफ़ी पैसे खर्च करने पड़े। अब तो हरियाणा सरकार है फ्री में बिल्कुल पूरे गांव की बहुत बढ़िया तरीके से एक योजनाबद्ध तरीके से पूरे गांव की रजिस्ट्रिया करके गांववासियों को प्रोवाइड करवा रही है। तो लोगों ने अपनी रजिस्ट्रियों का करवाना शुरू, प्रोसेस शुरू कर? हाँ नहीं, रजिस्ट्रियों का जो प्रोसेस था अभी तक हमने पूरे गांव में चस्पा कर दिया था, मुनियादी करवा के गांव के ग्राम सचिवालय में चस्पा लगा दिया था कि अपनी प्रॉपर्टी का नेम, ओनर नेम और अपना एरिया वो एक बार ही आप चेक कर लो, डिटेल चेक कर लो, उसके बाद किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो लिखित में एप्लीकेशन दे वीडियो के नाम। तो हमारे पास लगभग 70 एप्लीकेशन आई है। 70 एप्लीकेशन में से हमने कल तक 56 तो नाम चेंज करने की थी वो नाम चेंज सर्व ऑफ इंडिया के तहत करवा दिया। उसमें से कुछ एप्लीकेशन, 56 में से कुछ एप्लीकेशन अब जमीन तबादले की थी। जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति था, उसने बोला मेरे 2 लड़कियाँ, मैं अपनी प्रॉपर्टी उन दोनों लड़कों के नाम करना चाहता हूँ, तो उन्होंने वो हाफ हाफ हमने उनके दोनों का नाम लेके एप्लीकेशन पे कर दिया। कुछ 4-5 एप्लीकेशन फेक भी आई थी जो नजायज तौर से दूसरों की जमीन को अपना बता रहे थे, लेकिन जब उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले तो वो एप्लीकेशन खारिज भी कर दिया। यही प्रोसेस शुरू हो गया। गांव जो है डिजिटल होने जा रहा है, उसकी मैपिंग होने जा रही है लाल डोरे से, क्या कहना चाहते हो, कैसे इसका फायदा मिलेगा? गुड मॉर्निंग फर्स्टली, और मैं आशना ग्राम पंचायत शीशी से सरपंच, और मैं मिस्टर सीएम साहब का और डिप्टी सीएम का मिस्टर दुष्यंत चौटाला जी का थैंक यू करना चाहूँगी पहले तो। और जो हमारा गांव लाल डोरे मुक्त किया है इससे हमारे गांव को बेनिफिट होगा और पूरे हरियाणा वासियों को भी पूरा बेनिफिट होगा इसका। फर्स्टली इसका बेनिफिट एक है कि अभी जो छोटे छोटे विवाद होते थे गाँव में, डिस्ट्रीब्यूट होते थे लोगों के बीच, वो पंचायती जमीन या फिर
अपने कब्जे करके जो लोग जमीन पे बैठे थे तो उनसे निजात मिल जाएगी और इससे क्या होगा, गांव में एकता और भाईचारा बढ़ेगा। थैंक यू। तो इसमें मतलब आपके गांव की मैपिंग हुई है क्या क्या हुआ? हाँ जी सर, ड्रोन के साथ भी हुई है और जैसे कुछ टीम भी आई थी और उन्होंने हैंड से भी मैपिंग की है, तो एक एक घर की मैपिंग करके ही आज लाल डोरा मुक्त। पूरे हरियाणा भर में आप ही का ही गांव सिरसी चुना गया? हाँ जी सर। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और भी गाँव है सिरसी को ही चुना गया? सर उन्हीं के लिए मैं सीएम साहब का और डिप्टी सीएम का धन्यवाद करना चाहूंगी और हमारे पूरे स्टाफ का, हरियाणा स्टाफ का, और जो हमारे डीसी साहब है उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी। आपका पूरा नाम? तो गाँव को क्या फायदा होगा? फायदा क्या होगा मैडम, फायदा क्या होगा? सर यही है कि फायदा तो यही होगा कि सभी के पास अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा होगा और कोई किसी की भी कब्जा नहीं कर पाएगा और विवाद खत्म हो जाएंगे, भाईचारा बढ़ेगा और इससे यही है, एक बेनिफिट तो यही है। क्या पूरा नाम है आपका? सर मेरा नाम आशना है। सिरसी से मैडम, इसके अलावा सर आज क्या प्रोग्राम कर रहे हैं? आज सुशासन दिवस के रूप में जो हर वर्ष 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 25 दिसंबर को भारत माँ के लाल सर्वश्रेष्ठ नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के ऊपर गुड गवर्नेंस डे सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसी उपलक्ष्य में आज करनाल के अंदर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस अवसर के ऊपर हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि आम जन के साथ शासन और आम जन के बीच में एक प्रेम का भाव हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और जो योजनाओं का लाभ है सरकार के द्वारा जो योजनाएं वो आम जन के लिए होती हैं उन योजनाओं का सीधा सीधा लाभ नीचे तक पहुंचे। अगर व्यक्ति कोई परेशानी में आता है, चक्कर काटता है, तो दिक्कत होती है, तो आज क्योंकि ये ऐसा दिवस है और इस दिवस के ऊपर क्योंकि जो देश की दो महान शख्सियतें महामना जो मदन मोहन मालवीय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी उनकी जयंती है, इस शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और इस दिवस को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, ये हमारे लिए। सर सिरसी गांव जो है लाल डोरा मुक्त हुआ है तो विधिवत रूप से आज भी आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से ई गवर्नेंस जो पिछले 5 वर्षों में लगातार लोगों को सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई है, उसी के तहत ही आज एक महत्वपूर्ण योजना जो लाल डोरा के जो व्यक्ति है, बहुत लंबे झगड़े उसके अंदर लोगों के चलते थे और व्यक्ति के उस लाल डोरा के अंदर जो प्रॉपर्टी थी उसको उसका अधिकार भी नहीं होता था, परंतु उस अधिकार को स्थापित करने के लिए व्यक्ति का कि वो उसके ऊपर लोन ले सके, उसके ऊपर अपना मकान बना सके या कोई और कार्य कर सके, उसके लिए आज इसकी शुरुआत की है और इसका बहुत बड़ा एक जो समस्या थी प्रदेश के सामने उसका समाधान है। सर ट्रायल बेस पे शुरू हुआ है? ट्रायल बेस पे आज से शुरू हो गया है, वो जो सिरसी गांव का मैप आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ शुरू किया था, आज से उसको लागू किया गया। पब्लिक चैरिटेबल में जो टैक्स लग रहा है जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज, राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।